बात करी जाए डबल डेकर एक्सप्रेस की, तो ये होती है दो टाइप की, पहली नॉन एसी और दूसरी होती है एसी। और रेलवेज ने डबल डेकर इसलिए लॉन्च करी ताकि वो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाकर कम पैसों में यात्रियों को एसी चेयर कार की सुविधा दे पाए। बेसिकली जो ये डबल डेकर ट्रेन होती है शॉर्ट रूट की ट्रेन होती है, और रेलवे का ऐसा कहना है कि इन ट्रेन में आप लास्ट मिनट में भी जो है कन्फर्म सीट बुक कर सकते हैं। जैसे कि ये आज की अगर आप देखें तो इसमें करीब 628 सीटें अभी भी अवेलेबल दिखा रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ में वेटिंग भी दिखा रहा है किसी किसी डेट में, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो आप पहले से ही कराएं मेरी माने तो। और इन ट्रेनों के जो है कोच मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कपूरथला कोच फैक्ट्री। और जो पहली डबल डेकर लॉन्च की गई वो थी हावड़ा धनबाद एसी डबल डेकर एक्सप्रेस। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। और आज हम ट्रेवल करने वाले हैं 12548 लखनऊ एसी डबल डेकर एक्सप्रेस में, जो कि लॉन्च हुई थी 26 अप्रैल 2015। और ये ट्रेन वीक में 4 दिन चलती है, ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे एंड संडे। तो अब काफी इन्फॉर्मेशन हो गई, काफी चीजें मैंने आपको बता दी, अब चलिए मैं आपको एक अंदर से इसका एक छोटा सा टूर करवाता हूँ कि अंदर से कैसा इंटीरियर है इस डबल डेकर एक्सप्रेस का। और ये मेरी भी पहली डबल डेकर है, तो ऑब्वियसली इस चैनल पे भी पहला ही ब्लॉग है डबल डेकर का, पटांगे आते रहेंगे जहां भी मैं जाऊंगा अगर वहां अवेलेबल हुई तो, वो अलग बात है। लेकिन चलिए एक टूर करवाता हूँ मैं आपको जल्दी से। आगे हमारा पहला स्टॉप जिला गाजियाबाद, मतलब गाजियाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड CGZB। और ये जंक्शन ओपन हुआ था इन ईयर 1865। अब आपको मैं डबल डेकर की कोच कैपेसिटी बता दूँ, 120 सीट्स जो है आपको एक कोच में देखने को मिल जाएंगी, पूरे 10 कोच है, यानी पूरी ट्रेन की कैपेसिटी हुई 1200। और अब टाइमिंग से बात कर लें, आनंद विहार से चलती है ये 2:05 पर, और हम लखनऊ रात में पहुँच जाएंगे 10:25 पर।
मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन कोड MB और ये जंक्शन ओपन हुआ था इन ईयर 1873 और यहाँ पे करीब डेली 200 ट्रेन स्टॉप होती हैं। और आपको बता दूं ये स्टेशन उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट बुकिंग स्टेशन है। तो अब आपको मुरादाबाद और इस डबल डेकर का एक इंसिडेंट बता दूं, इन ईयर 2014 जब इस डबल डेकर के यहाँ पर ट्रायल्स हो रहे थे तो उसी के दौरान ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर टकरा गई और उसके बाद इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म को इस डबल डेकर के कोचेस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। उसके बाद 2015 में इस डबल डेकर को लॉन्च किया गया। आपको बता दूं जो डबल डेकर ट्रेन्स होती हैं उनका जो लोअर डेक होता है ना उसमें अगर आप बैठते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। बरेली जंक्शन स्टेशन कोड PE और इस जंक्शन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। आपको बता दूं अब इस डबल डेकर का यहां से सीधा लखनऊ पे स्टॉप है तो 235 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी अब यहां से होने वाली है। स्टेशन पे जो है रोक दिया गया था इसको और कभी और 2 घंटे करीब हम यहाँ पर लेट आए हुए हैं। और लखनऊ को जो है नवाबों का शहर भी कहा जाता है तो मुस्कुराइए अब लखनऊ में है। अब पूरी रात जो मैं लखनऊ पर रुकने वाला हूँ अभी तो खाना भी नहीं हो पाया क्योंकि इसमें मैंने सोचा था केटरिंग में खाना वगैरह जो है मिल जाएगा अलग से लेकिन ऐसा नहीं था। स्टाफ के पास जो केटरिंग सर्विस थी उसमें कितने खाना वगैरह नहीं था तो अब यहाँ से लेना पड़ेगा। और अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी पे, तब के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज हिमांशु सेइंग बाय फ्रॉम लखनऊ जंक्शन।